हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन HSC के पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है अपील राइटिंग का। आपको टाइटल से समझा ही होगा अपील राइटिंग का क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अपील राइटिंग का क्वेश्चन का एक बेस्ट एग्जाम्पल और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने, बिकॉज अपील राइटिंग में ज्यादा कुछ लिखने जैसा होता नहीं है, जस्ट पॉइंट वाइज आपको एक मस्त अपील लिखना रहता है। अपील काइंड ऑफ आपको किसी को अपील करना चाहते हो, कोई बात कहना चाहते हो, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक प्रॉपर एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, एक्चुअली मैं दो एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, तो ये एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, अपील राइटिंग कैसे करना है। तो नंबर वन आता है अपील राइटिंग, जब आप करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अपील राइटिंग करते टाइम आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, बिकॉज आप किसी को अपील कर रहे हो। आप ये एग्जांपल देख सकते हो, एक बॉक्स के अंदर अगर अपील हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है, तो आपको बॉक्स ड्रॉ करना है। नंबर टू पे आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अपील आप लिख रहे हो वो बोल्ड लेटर्स में लिखिए। अच्छे से बोल्ड लेटर में लिखने के बाद वो स्लोगन अट्रैक्टिव दिखने वाला है, तो बोल्ड लेटर में जो टॉपिक है जिसके बारे में आप अपील लिख रहे हैं वो बोल्ड लेटर में लिखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आप अच्छी तरीके से स्लोगन का और कैची लाइंस और कैप्शन का यूज कर सकते हो। ये एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल जो हमें दिया गया है इसमें आप देख सकते हो कि स्लोगन कैची लाइंस यूज किए, तो समझ में आ रहा है ये अपील किसके बारे में और किस बारे में हमें अपील में लिखना है, मतलब किस बारे में अपील ही बनाया गया है। तो आपको भी ऐसे कैची अट्रैक्टिव स्लोगन्स एंड लाइंस का कैप्शन का उपयोग आप इसमें कर सकते हो। सेंटेंसेस का यूज करना है, लॉन्ग सेंटेंसेस, पैराग्राफ वाइज बिल्कुल नहीं जाना है, अगर आप ये करते हो तो मार्क्स जाने ही वाले हैं। आपको शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट स्लोगन, शॉर्ट लाइंस यूज करनी है। देन अगली टिप हमारी है, वो है नो यूज ऑफ पेंसिल इन टू दैट। मैं क्या क्यों बोल रही हूँ पेंसिल का यूज नहीं कीजिए, बिकॉज पेंसिल का एक तो आप कर भी सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू आपको पेंसिल का यूज करना है या नहीं करना है। बट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप कोई भी अपील लिखते हो, एक तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपील राइटिंग में आपको बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ करने रिलेटेड, वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, बट आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो सिंपल पिक्चर है उसके बारे में कुछ, तो ब्लड डोनेशन का है तो आप ब्लड के ड्रॉप्स ड्रॉ कर सकते हो, नेचर रिलेटेड है तो आप लीव्स ड्रॉ कर सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आपको सिंपल पिक्चर ड्रॉ करने हैं, और जो पेन से आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लिख रहे हो, भले वो बॉल पेन हो, जेल पेन हो, एक ही पेन से, ब्लैक पेन हो, ब्लू पेन हो, ब्लैक पेन से लिख रहे हो ब्लैक पेन करो, ब्लू पेन से लिख रहे हो ब्लू पेन का यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपील जिसके बारे में है उसकी डेट, उसका टाइम और उसका डेजिग्नेशन, मतलब कहाँ पे होने वाला है, कब से कब तक होने वाला है, क्या टाइम है, ये मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो अपील राइटिंग का यूज ही क्या होगा। तो ये भी आपको जरूर मेंशन करना है, बॉक्स बनाना है। और आगे वाले एग्जांपल में आपको मैं डेफिनेटली प्रॉपर समझाने वाली हूँ कि मैंने ये टिप्स कैसे फॉलो किए। तो चलिए देखते हैं हम एग्जांपल का वीडियो, अपील राइटिंग के एग्जांपल हमें कैसा लिखना है, किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं और आउट ऑफ मार्क्स उसमें ला सकते हैं। हमारे अपील राइटिंग का क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमने अपील बनाया। मैं अपील आपको पूरा समझाने वाली हूँ, पहले क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर अपील फॉर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट क्लीनलीनेस कैंपेन, यूज अट्रैक्टिव स्लोगन। अभी क्लीनलीनेस कैंपेन के बारे में हमें अपील बनाना है। आप पहले ही देख सकते हो, अपील बनाते टाइम मैंने एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर अपील पूरा बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा अपील मैंने बनाया है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है, मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। तो मैंने पहले लिखा है क्लीनलीनेस कैंपेन, क्योंकि क्लीनलीनेस कैंपेन का अपील मुझे बनाना है। इसलिए अभी आप देख सकते हो मैंने कितने छोटे से और अच्छे पिक्चर ड्रॉ किए, नेसेसिटी नहीं है, आप कर सकते हो। वेट एंड ड्राई डस्टबिन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, कुछ नेसेसिटी नहीं है कि आपको यही करना है, अगर आपको टाइम है करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा है अर्जुनी विलेज इज अनाउंसिंग अ क्लीनलीनेस वर्क। अभी क्लीनलीनेस वर्क कहाँ पे है, अर्जुनी विलेज में, कब तक है, मैंने जैसे बोला था आपको डेट मेंशन करनी है, फ्रॉम 2nd to 10th of October 2023 तब तक है। कम वन कम ऑल, ये भी मैंने एक स्लोगन टाइप यूज किया है, इससे क्या होगा, लोगों को अपील कर रहे हम कि आप आओ, आप सब लोग आओ। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कब है इनका, 10th of October को होने वाला है, ये भी मैंने लिखा। इसको एक मैंने एक आप बोल सकते हैं एक टाइप शेप दिया है, आप सर्कल शेप, स्क्वायर शेप यूज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। क्लीन विलेज इज अ हेल्दी विलेज, ये मैंने स्लोगन यूज किया है अपील के लिए हमारे
टू कीप यू हेल्दी डू द फॉलोइंग ऑलवेज यूज डस्टबिन क्लीन योर लोकेलिटी क्लीन रोड्स रेगुलरली. ये हमने यहाँ पे एक अपील किया है लोगों को और हम लोगों को समझा रहे हैं कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना जरूरी है. सो टेक योर ब्रूम्स क्लीन अप द स्ट्रीट्स एंड रूम क्लीनलीनेस इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस. क्लीन योर विलेज एंड विन अ प्राइज. इन्होंने एक प्राइज रखा है आपके क्लीन विलेज के लिए. द क्लीनेस्ट विलेज विल बी अवॉर्डेड अ गोल्डन ट्रॉफी बाय ऑस्पिशियस हैंड ऑफ आमिर खान. के हाथों से ट्रॉफी मिलने वाली है ये क्लीनलीनेस कैंपेन में. और इसके बाद उन्होंने एक स्लोगन दिया हमें कीप क्लीन नाम का. तो आप ये देख सकते हैं ऐसे सेम अपील आपको लिखना है. अपील का क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स के लिए, पहले वो देखते हैं कि कौन सा टाइप के हेडिंग्स आपने यूज किए, किस टाइप के हेडिंग यूज किए. देन ओवरऑल आपकी जो अपील लिखा है उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है ना, वो भी देखा जा सकता है. और उसके बाद ओवरऑल आपके अपील के अनुसार आपको मार्क्स मिलते हैं. तो ये अपील आप फॉलो कीजिए अगर आप अपील राइटिंग का क्वेश्चन लिख रहे हो. और आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा. इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ये डाउनलोड कर सकते हो. आपको इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.